हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एट्थ क्लास का हमारा चैप्टर नंबर 4 विपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी चल रहा था। कल हमने पढ़ा कि विपिन बाबू ने डॉक्टर चंदा से अपनी बीमारी के बारे में जिक्र किया और डॉक्टर चंदा ने उनसे कहा कि किन्हीं अज्ञात कारणों की वजह से जो आपके दिमाग में रांची वाला जो पूरा अध्याय था वो निकल गया है। इसलिए मेरा आपको सुझाव है कि आप रांची एक बार फिर से आपको जाना चाहिए ताकि उस स्थल या दृश्य को देखने पर आपकी स्मरण शक्ति पुनः आ सकती है, यह असंभव नहीं है। और उन्होंने कुछ एक उन्हें दवाइयाँ और स्नायु संबंधी टैबलेट्स भी लिखे। कल यहाँ तक पढ़ लिया था बच्चों, आज हम उससे थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं। विपिन बाबू फेल्ट सम वाट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। विपिन बाबू ने फेल्ट माने महसूस किया, सम वाट माने कुछ, बेटर माने बेहतर। विपिन बाबू ने अगली सुबह कुछ बेहतर अनुभव किया। नेक्स्ट मॉर्निंग माने अगली सुबह कुछ बेहतर अनुभव किया। आफ्टर ब्रेकफास्ट नाश्ते के उपरांत, आफ्टर ब्रेकफास्ट नाश्ते के उपरांत या नाश्ते के बाद, ही रैंग अप हिज ऑफिस, ही रैंग अप हिज ऑफिस, उन्होंने अपने ऑफिस में फ़ोन किया। यानी उन्होंने सुबह कुछ बेहतर अनुभव किया और नाश्ता करने के उपरांत उसने अपने ऑफिस में फ़ोन किया। गिव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश दिए। गिव माने दिए, सम इंस्ट्रक्शन माने कुछ निर्देश दिए। एंड देन और फिर प्रोकर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। और फिर श्याम रांची जाने के लिए प्रथम श्रेणी का टिकट प्राप्त किया। ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। प्रोक्यूर्ड का मतलब होता है मिले, प्राप्त करना, मिले या प्राप्त करना। और फिर श्याम रांची जाने के लिए प्रथम श्रेणी का टिकट प्राप्त किया। आगे देखिए चौथे पार्ट में क्या हुआ कि वो अपने जो रांची वाली टिकट है उसको बुक कर देते हैं प्रथम श्रेणी वाली। आगे क्या हुआ अब हम पढ़ते हैं। देखिए गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह रांची में ट्रेन से उतरने के उपरांत, अगली सुबह रांची में ट्रेन से उतरने के उपरांत, गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह रांची में ट्रेन से उतरने के उपरांत, ही रियलाइज एट वंस, उन्होंने उसी क्षण महसूस किया, ही रियलाइज्ड एट वंस, उन्होंने उसी क्षण महसूस किया दैट कि ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि वह वहाँ पहले कभी नहीं आए थे। यानी कि जैसे ही वे रांची पहुँचे तो ट्रेन से ऊपर उतरने के उपरांत उसी क्षण उन्हें महसूस किया कि वह पहले कभी रांची नहीं आए थे। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, ही मानी वह, केम आउट माने बाहर आए, ऑफ द स्टेशन माने स्टेशन से, वह स्टेशन से बाहर आए। टूक ए टैक्सी, एक टैक्सी ली, बाहर आए और टैक्सी ली। एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर ए व्हाइल, एक टैक्सी ली और कुछ देर तक शहर के चारों ओर चक्कर लगाया। एंड ड्रोव होता है चक्कर लगाना, अराउंड माने चारों, द टाउन माने शहर के, फॉर ए व्हाइल माने कुछ देर तक। और एक टैक्सी लेने के बाद उन्होंने कुछ देर तक शहर के चारों ओर चक्कर लगाया। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi Hill. उन्होंने महसूस किया, he realized that, उन्होंने महसूस किया कि इन गलियों, streets माने गलियों, the buildings इमारतों, the hotels होटलों, bazaars बाजारों, the Morabadi Hill, मोरबाड़ी पहाड़ी,
Moreover, with none of these had he the slight acquaintance would a trip to the hood of all's help. और फिर क्या कहा, विद नन ऑफ दिस हैड टू द स्लाइटेस्ट एक्यूंटियंस वुड ए ट्रिप टू द होर्डो फॉल्स, और उन्होंने महसूस किया कि इन गलियों, इमारतों, होटलों, बाजारों, मोरबाड़ी पहाड़ी से उसका जरा भी परिचय नहीं था। विद नन ऑफ दिस हैड टू स्लाइट एक्यूंटियंस, उसका बिल्कुल भी कोई परिचय नहीं था। और उन्होंने क्या कहा, वुड ए ट्रिप टू द होर्डो फॉल्स हेल्प, क्या होर्डो फॉल्स की यात्रा मदद करेगी। और फिर उन्होंने अचानक से महसूस किया कि ये जो होटल हैं, बाजार हैं, मोरबाड़ी पहाड़ी हैं, गलियां हैं, इनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं है, मेरा कोई परिचय नहीं है। फिर अचानक से उन्हें क्या महसूस हुआ कि मुझे क्या होर्डो फॉल्स की यात्रा मदद करेगी, यानी कि मुझे जो होर्डो फॉल्स है, जगह का नाम था, उसकी यात्रा पर जाना चाहिए जो कि मेरी मदद करेगी। स्लाइटेस्ट होता है कम से कम, और एक्विनेटेंस होता है परिचय देने। तो आगे देखिए ही डिडंट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड एनफ। He didn't believe so. उन्हें ऐसा विश्वास नहीं था। He didn't believe so. उन्हें ऐसा विश्वास नहीं था। But लेकिन at the same time he didn't wish to live with the feeling that he hadn't tried enough. लेकिन साथ ही वह इस भावना के साथ वापस नहीं जाने चाहते थे कि उन्होंने पूरी कोशिश नहीं की। But लेकिन एट द सेम, उसी समय उन्होंने महसूस किया कि वह इस भावना के साथ वापस नहीं जाने चाहते थे कि उन्होंने पूरी कोशिश नहीं की थी। सो ही अरेंज फॉर ए कार, उसने एक कार की व्यवस्था की, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक कार की व्यवस्था की। एंड लेफ्ट फॉर हुडो इन द आफ्टरनून, और दोपहर बाद हुडो के लिए निकल गए, यानी कि उनके मन में ये भावना थी कि कहीं मेरे मन में ये बात नहीं रह जाए कि मैंने यहाँ पर आने के बाद अपनी पूरी कोशिश नहीं की, इसलिए उन्होंने एक कार की व्यवस्था की और दोपहर बाद हुडो के लिए निकल गए। आगे देखिए एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुडो, हुडो में उसी दोपहर के 5 o'clock इन हुडो, टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप टॉपिक। देखिए एट 5 o'clock एट द सेम आफ्टरनून इन हुडो, टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर बिपिन बाबू लेइंग अनकॉशियस बिसाइड ए बाउल्डर। हुडो में उसी दोपहर के 5 o'clock एट 5 o'clock, 5 o'clock मानी 5 o'clock, द सेम आफ्टरनून उसी दोपहर, हुडरू में उसी दोपहर के 5 o'clock टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, पिकनिक पर आए एक समूह के दो गुजराती सज्जनों ने विपिन बाबू को कहाँ पर पाया, डिस्कवर विपिन बाबू लेइंग अनकॉशियस बिसाइड ए बाउल्डर, उन्होंने विपिन बाबू को एक पत्थर के पास बेशुद्ध पड़ा पाया। और हुडरू में उसी दोपहर के 5 o'clock पिकनिक पर आए एक समूह के जो दो गुजराती सज्जन थे, उन्होंने विपिन बाबू को एक पत्थर के पास बेशुद्ध पड़ा पाया। वैन ही केम अराउंड, वैन मानी जब वे विपिन बाबू के पास आए, वैन ही केम राउंड द फर्स्ट थिंग विपिन बाबू सैड वाज आई एम फिनिश्ड, देयर इज नो होप लेफ्ट। और जब वे शुद्ध में आए, यानी कि जब विपिन बाबू को होश आया, तो विपिन बाबू ने सबसे पहले क्या कहा, द फर्स्ट थिंग विपिन बाबू सैड, विपिन बाबू ने सबसे पहले कहा आई एम फिनिश्ड, क्या कहा, मैं ख़त्म हो गया हूँ, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, और बचने की कोई उम्मीद नहीं है। यानी कि जब विपिन बाबू होश में आए,
तो उन्होंने कहा कि मैं ख़त्म हो गया हूँ और मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो बच्चों, इस प्रकार से आज ये चैप्टर का पैराग्राफ समाप्त हुआ। कल नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स।